अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। आज के बनाम सरकार में आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर सियासत पीक पर है, इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से बात हो रही है, हर चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, वहीं पर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड गवर्नमेंट्स काम कर रहा है, लाहौर शहर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस तरह से प्रॉमिसिंग काम चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ चारबहार, जहाँ पर इस वक्त तेज़ी से काम चल रहा है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से हमने बहुत से शोज़ किए, जहाँ पर आपको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाए, वो चाहे सब्ज़ी मंडी के हवाले से है, वो चाहे फॉरेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से है, वो चाहे सेफायर बे यानी कि रावी किनारे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो साफ़ पानी के हवाले से हो, वो कूड़े के रिसाइकलिंग के हवाले से हो, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जिसमें बिल्डिंग्स, कमर्शियल हब बनाने के हवाले से। तो आज हम चारबहार मौजूद हैं। ये वो एरिया है जो लाहौर के पसमानदा तरीन इलाकों में कंसिडर होता था, लेकिन आज यहाँ पर काम देखकर मुझे ये लग रहा है कि कुछ ही अरसे के बाद ये एक ऐसा हब क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, एक नया शहर आबाद हो जाएगा, जिसके फ़ायदे ना सिर्फ लाहौरियों को होंगे बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को भी होंगे। और इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर तेज़ी से काम चल रहा है, उसकी डिटेल जो है वो आप आगे शो में देखिए और जानिए कि किस तरह इससे लाहौरियों को ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि हमारे आने वाले साल जो हैं, जैसे हम अमूमन कहा करते हैं कि तरक्की करनी चाहिए, मईशत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, तो आप यकीन जानिए कि इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन से वो प्रॉमिस कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। हमारे साथ इस वक्त रूडा के डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर असद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सर, मैं जब कहती हूँ ना कि एक प्रॉमिस कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप यकीन जानिए कि जो हमने आंखें रखी हुई है ना आपके प्रोजेक्ट पे इतने महीनों से, कि मुझे खुशी होती है कि हर दफ़ा जब मैं आती हूँ एक चीज़ नई दो स्टेप आगे नज़र आती है। थोड़ा सा बताइएगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि रूडा असल में करना क्या चाह रहा है और रूडा के तहत जो है ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसका फ़ायदा क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया, और आपने ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया हमें, थैंक यू वेरी मच, कि प्रॉमिस कम्प्लीट होता नज़र आ रहा है। और अभी तो लाहौर में ईद ख़त्म ही नहीं हुई, ये तो मंगल के बाद कुछ ईद का हमारा बैक टू वर्क होगा, लेकिन आप ही देखें कि हमारा जो काम है वो ईद के दिनों में भी चलता रहा है। अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमारी लेबर मोबिलाइज है, हमारी मशीनरी मोबिलाइज है, और इंशाल्लाह हमारा जो यहाँ पे सिविल वर्क्स को डिलीवर करने का प्रॉमिस है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर 2024 हम इंशाल्लाह रोड, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम, ओवरहेड वाटर टैंक्स इंशाल्लाह यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। सारे काम जो अंडरग्राउंड होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, अंडरग्राउंड काम तो पहले होते हैं ना, जिसमें सीवरेज सिस्टम है, डक्टिंग है, केबलिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अदर वाटर साइड रिलेटेड। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस वक्त हमारा जो काम चल रहा है वो स्टॉर्म ड्रेनेज का काम चल रहा है, और हमारा इस वक्त काम चल रहा है सीवरेज सिस्टम का बेसिकली। ठीक है, अच्छा हम चारबहार पे आते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक सिनॉप्सिस हम लाहौरियों को सुना दें और बता दें। बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं देखती हूँ कि मेरा शहर तरक्की करने जा रहा है और मेरा शहर एक ऐसा शहर हो जाएगा कि दुनिया में जब हम मिसालें देखते हैं डेवलप कंट्रीज़ में कि ट्विन सिटीज़ हैं या एक नया शहर उन्होंने आबाद कर लिया और हम वो करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी। तो ये हमारे लिए, आपने तो बनाना है लेकिन हमारे लिए फ़ायदा है, तो थोड़ा सा बताइएगा कि रूडा के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, थोड़ा सा सिनॉप्सिस। जी देखिए, रूडा के सबसे पहले समझे कि रूडा का बेसिकली मोटिव क्या है। रूडा के दो प्राइम मोटिव हैं जी, दरियाए रावी की बहाली और उसके अलोंग एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन। थोड़ा सा मैं अभी चारबाग के प्रोस्पेक्टिव में खड़ा, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूं। जी जी। देखिए, दरियाए रावी जिसको हम बेचारा रावी कहते हैं, 75% इसका पानी जो है पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ही हमारे मेहरबानों ने रोक लिया। अब हम पंजाबी में कहते हैं रावी रावी रिया ही नहीं है, रावी रावी रिया नहीं, ठीक है जी। अब ये देखें कि जो बचा कुचा पानी आता है उसमें हम अहलियान लाहौर रोज़ाना की बुनियाद पर 540 मिलियन गैलन वाटर नजराना है। किदत कौन सा वाला जी? सीवरेज वाटर, सीवरेज वाला, बिल्कुल वेस्ट वाटर हम दे दें। फ्लशिंग प्रॉपर हो नहीं रही, रावी गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। अब यही पानी जब अंडरग्राउंड सीप करता है तो अंडरग्राउंड जो वाटर वो पॉइजनस हो जाता है, एक तो मसला ही हो गया। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये कि पानी रावी में नहीं है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये अगर पानी रावी में छोड़ दिया जाए, अगर अपस्ट्रीम पे कोई डैम ब्रेक हो जाए, कोई फोर्स मेजोर हो जाए, तो यहाँ पर तो सैलाब आ जाएगा। तो और आता रहा है, आता रहा है कुछ डेकेड्स पहले ये एरिया बिल्कुल हाई अलर्ट पे होता था कि यहाँ सैलाब आ जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल इज बेसिकली वी कैन कॉल इट फ्लड प्लेन, हम ये फ्लड प्लेन में खड़े हैं। अच्छा, तो हमारे लिए लूज लूज सिचुएशन है, पानी ना आए तो कुछ भी नहीं है, पानी आए तो फ्लड है। अच्छा, ये एक एक्सपेक्ट हो गया। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि
अब लाहौर के अंदर जो बेहंगम फैला हुआ है, यानी आप यहाँ से देखें लाहौर कसूर तक पहुँच गया, वहाँ रायवंड से आगे पहुँच गया, वहाँ कहीं मरीज के पहुँच गया, और देखें ये लाहौर को फैला तो रहे हैं लोग बेहंगम, लेकिन जो हमारा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इस पूरे शहर का जो नए जो हमारी एक्सटेंशन है उसको एकोमोडेट करने के लिए सफिशेंट नहीं है। बड़ी एक छोटी सी मिसाल है, डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ जाता है, जितने रिसोर्सेज हैं लाहौर के वो लाहौरियों के लिए कम पड़ जाते हैं जब आप अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करते हैं, जब लोग जो हैं वो रिसोर्सेज से ज़्यादा यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं और उतने फ़ायदे उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपकी सड़कों पर दबाओ, आपकी हॉस्पिटल्स पर दबाओ, आपके कमर्शियल सेंटर्स पर दबाओ। तो हेयर कम्स रूटा, देखिए दरिया रावी को हम चैनलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बैराजेस बनेंगे, यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रूडा के अंदर लगेंगे, जो कि रूडा के नए शहर को जो प्लान्ड अर्बनाइजेशन हमारा शहर बनेगा, मेडिकल सिटीज, स्पोर्ट्स सिटीज, फाइनेंशियल सिटीज, इंटरटेनमेंट सिटीज, हम और वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। एग्जैक्टली, उनके सारे वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करके दरिया रावी में फेंकेंगे। दरिया रावी में जब साफ पानी जाएगा, एक्वेटिक लाइफ की बहाली होगी, आपकी इकोनॉमी जब प्रोमिनेट उसके साथ बनेंगे, आपकी इकोनॉमी रीजनरेट करेगी। और सबसे बड़ी आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो बार बार अक्सर मैं बताता हूँ, आई एक्चुअली रिमाइंड द पीपल के 270 बिलियन लीटर ऑफ वाटर हम स्टोर करेंगे, जिसकी वजह से 1 अरब लीटर पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिससे जेर जमीन पानी की सतह बुलंद होगी। पिछले कई सालों से सर मैं इस पे शो करती रही हूँ और वासा और हम मिलके ना रोते रहे हैं उन शोज में कि हर साल जेर जमीन पानी की सतह जो है वो कम होती जा रही है। और मैं तो बड़ी आम मिसाल एक दिया करती हूँ कि कराची ना बन जाए, नॉट इन अ बैड वे बट इन दिस वे कि कराची में लोगों को इस्तेमाल का पानी भी खरीदना पड़ता है, तो कहीं लाहौर खुदा ना खास्ता उस तरफ ना चला जाए। तो आई थिंक ये हमारा एक रूडा की तरफ से एक और चीज जो हमारे लिए फायदा पहुंचा रही है, वो हमारा जो सर्वाइवल मोड है उसको लॉन्ग कर देंगे, क्योंकि पानी का लेवल जब ऊपर आएगा तो लोगों को साफ पानी मिलेगा। तो दैट्स बेसिकली द पॉइंट कि ये ना सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों की सर्वाइवल का है, बल्कि also it is also the revival of Ravi and the survival of aquatic life. बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं चार बाग पे जी। अब चार बाग उसी प्लांट अर्बनाइजेशन का एक प्रोटोटाइप मॉडल है। एक्चुअली हमने हुए कि हमने एक 128 एकर्स पे एक डेवलपमेंट की, ये हमारी एक टेस्ट डेवलपमेंट थी, ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है कि हमारे आने वाले सिटी भी सस्टेनेबल होंगे। अच्छा, सस्टेनेबल का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। सस्टेनेबिलिटी इंसान और इन्वायरमेंट का ऐसा इंट्रैक्शन है कि जिसमें इंसान की भी पूरे बेनिफिट्स और पर्पस सर्व हो, और इन्वायरमेंट को भी कम से कम लॉस हो, बल्कि इन मोस्ट ऑफ द चांसेस कि उसको बेनिफिट एनवायरनमेंट का। अब ये जो हम पैरेलल हो दोनों चीज़ जी बिल्कुल। अब देखिए, हम यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट्स होते हैं। हम यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज और ऐसे प्रोसीजर्स को इन्फोर्स करेंगे रेजिडेंशियल कमर्शियल यूनिट्स में कि आपकी इनडोर एनर्जी की कंजम्पशन रिड्यूस हो। हम सोलर पैनल्स को प्रमोट करेंगे, हम ऐसे फ्यूसेट्स बिल्डिंग के अंदर प्रमोट करेंगे कि आपका पानी जो है वो आपको कम इस्तेमाल करें। हम ग्रे वाटर रीयूज की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंप्लीमेंट करेंगे कि हर घर वाला अपने साथ जो सा उसका जो बारिश का पानी कॉम्युलेट किया जाए वो उसको जेर जमीन को ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, ना सिर्फ रेजिडेंशियल लेवल बल्कि ओवरऑल हम अपनी चारबाग के लेवल पर भी करेंगे। हमारे जितने भी यहाँ पे पार्क्स हैं, हम वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाएंगे जो कि जेर जमीन पानी वो रिजर्वॉयर्स जो कई वक्त के साथ साथ कम होते गए, ख़त्म होते गए। और हम मुगलिया दौर की मिसालें दिया करते हैं कि अंदरून में आज भी एक मस्जिद ऐसी है जिसमें रिजर्वॉयर और वो नीचे का पानी चल रहा है, तो हम उस सिस्टम को भूल गए। लेकिन सर रूडा के ऊपर जब कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है ना, तो वो आपको पता है कि फिर क्रिटिसिज्म भी बड़ा होता है। और मैंने ये सवाल बड़ी दफ़ा उठाया है और मैं हमेशा ये सवाल लाजमी करती हूँ ताकि लोगों को जवाब मिल सके। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और आप इंजीनियर साहब हैं तो शायद आपको मेरा ये सवाल थोड़ा चुभे, लेकिन लोग ये कहते हैं लो जी कंक्रीट की सड़कें बिछा के कौन सी डेवलपमेंट होती है, कौन सा बचाया जाता है एनवायरनमेंट, और आप तो जमीन खत्म कर रहे हैं जहाँ पे दरख्त लगे हुए होंगे। देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, एंड इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। कंक्रीट की सड़कें, देखिए सड़कें जो सी होती हैं, हमने जब डिज़ाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सड़कों पे लोड क्या आ रहा है। ठीक है, लोड उठाने के लिए हमें एक पेमेंट स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। हाँ, नो डाउट कि यहाँ पे इस वक्त नई टेक्नोलॉजी इस वक्त आई है कि लोग अब प्लास्टिक बॉटल्स को भी यूज़ कर, जैसे इस्लामाबाद अथा तो एवेन्यू बन रहा है, एंड वी आर ऑन इट। अभी स्टार्ट में हम जो सा लोगों को यहाँ पे एक अच्छा कंक्रीट का स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम और भी सस्टेनेबल इम्पैक्ट को यूज़ कर रहे हैं। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी के एक बड़े पहलू होते हैं। अब हम कंक्रीट की सड़क या फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम एक साइकिल ट्रैक बना रहे हैं। साइकिल ट्रैक का मकसद ये होता है कि हम लोगों को एक हेल्दी वॉकिंग और हेल्दी साइकिलिंग को हम प्रमोट करें। बिल्कुल ठीक। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। सस्टेनेबिलिटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लैंड के ऊपर कोई डेवलपमेंट करें ना, बल्कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि ओवरऑल इसके जितनी भी डायमेंशन आप उनको करें। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, अब आप चारबाग अगर मैप देखें तो 8-10 घरों के बाद आपको एक
कमर्शियल एक्टिविटी मिल जाएगी, इसे कहते हैं एक्सेस टू डाइवर्स यूज़। तो हम लोगों को चाहते हैं कि लोग जो है अब हम साइकिल ट्रैक जो बना रहे हैं, साइकिल ट्रैक जो है हम लोगों को प्रमोट करें कि साइकिलिंग करें, जिससे एमिशन जो है वो कंट्रोल होंगी। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, या हेल्दी साइकिलिंग है, या इनडोर आउट डोर एनर्जी यूज रिडक्शन है, तो इन सबको जब अकोमोडेट करेंगे, एक नया शहर आबाद हो रहा है, एनवायरमेंट होगा, बिल्कुल एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंट होगा और एक नया शहर भी आबाद हो रहा है। ये तो आपने बात किया। अच्छा, इसका सस्टेनेबिलिटी के और मैं आपको एक्सपेक्ट बताता हूँ। आप देखें कि रूडा जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में, उसके जो उसकी पोजेशन में 8 जंगल जो हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा। जिसका मजमूई रकबा जो है 6000 एकड़ के करीब है। अब एक रक जोग का जंगल है जिसमें अभी हमने एक लैंड डेवलपमेंट की है 158 एकड़ पे, और वहाँ पे हमने इंशाल्लाह जो है लाखों दरख्त लगाने हैं। इसके साथ साथ हम कार्बन क्रेडिट्स पे काम भी कर रहे हैं, हम रीन्यूएबल एनर्जी पे काम भी कर रहे हैं। ये हुई ना बात, वो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए ये जवाब है कि दरख्त काट कर सड़कें नहीं बनाई जा रही, बल्कि सड़कें बनाने के साथ साथ दरख्त लगाए जा रहे हैं, जो मुझे और आपको सबको करना चाहिए। लेकिन रूडा ये जिम्मेदारी निभा रही है। और उसके बाद आप देखिएगा कि जो हम सर्दियों में रोने रोते हैं कि हमारे यहाँ पर स्मॉग आ गई है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन आ गई है, तो ये जब जंगल आबाद होंगे, लग जाएंगे और वहाँ दरख्त लगेंगे और लाखों की आप बात कर रहे हैं, और हमने देखा है कि वो जो बेड्स बनाए गए हैं दरख्तों के लिए, उससे बहुत फायदा होगा। आइए सर चलते हैं, जरा चार बहार को भी विजिट कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लकीली आज मौसम अच्छा है और हवा चल रही है, तो ये जो धूप है ना वो तंग नहीं करी, क्योंकि इंजीनियर साहब ने जितना मुझे यहाँ तक चला दिया है ना, ये मिट्टी के अंदर अच्छा हुआ है। मैं जॉगर्स पहन के आई हूँ, कैजुअल बातें कर लेनी चाहिए कभी कभी, लाहौरी इंजॉय कर रहे होते हैं इस तरह की बातों का। अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ चारबहार के उस एरिया में जहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है, और ये मुझे पीछे कुछ रोड जो हैं वो शेप अप हुई हुई नज़र भी आ रही हैं। सो इंजीनियर साहब, आप बताइएगा कि ये जो लुक निकलना शुरू हो गई है अब यहाँ के प्रोजेक्ट की, उस बारे में कि ये मेरे पीछे ये आपके साइड पे एक राउंड अबाउट हमारा मेन, और जो हमारी मेन एंट्रेंस है वो 200 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड है। ये हमारा मेन राउंड अबाउट है, यहाँ पे हमारा सिग्नेचर टावर बनेगा, इसके अलोंग हमारे कंडोमिनियम यूनिट्स बनेंगे, मल्टी स्टोरी, 13 स्टोरी, 15 स्टोरीज। इससे पहले सिमल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप थोड़ा आपने देखा, मैंने आपको आपने थोड़ा ट्रैवल किया मेरे साथ, तो आपने जहाँ पे मैन होल्स अगर आप देखें तो आप उनका फिनिशिंग वर्क देखें, ये हमारी क्वालिटी कमिटमेंट है कि हमने अपने जो से कस्टमर्स हैं या हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, हमने उनको स्टेट ऑफ द आर्ट और बेस्ट चीज़ डिलीवर करनी है। जिस ग्राउंड पर अभी हम खड़े हैं उसके नीचे से पूरा सीवरेज का काम कम्प्लीट हो एग्जैक्टली चल रहा है, ये मेरे बिल्कुल पीछे मैन होल है, मैन होल यहाँ पे अगर आपने कास्ट कर लिए तो यहाँ पे सीवरेज लाइन्स डल गई और काम बड़ा तेजी से जारी तक किया काम, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जी जी वो कभी नहीं देखा, जी जी यार चले चले आपने आज देख लिया, जी एक्टिव हो जाएगा उसके बाद नजर आ जाएगा। हमारे ये ऑनेस्टली हमारी मैनेजमेंट, हमारे सीईओ साहब की, इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। इसीलिए यहाँ पे जो हमारे डेवलपर हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी नेशनल लॉजिस्टिक सेल हैं, जिन्होंने हमारी शाहराएं बनाई हैं, हमारे जो से ब्रिजेस को बनाया है, उनके एक बड़ा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कोई प्राइवेट से ठेकेदार हम लेके नहीं, क्योंकि ये हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जो सा ये हमारी एक डिग्निटी, हमारे रिगार्ड का मसला है। अच्छा, ये तो रूडा को क्रेडिबिलिटी ये भी जाती है कि उनके एक तो ऑडिट्स का सिलसिला साथ साथ चल रहा होता है, क्वालिटी कंट्रोल का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को देख रहा होता है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने शुरू में बोला था कि पाकिस्तान में जब सियासत अरूज पर होती है और अनसर्टेनिटी होती है तो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अबैंडन हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्रोजेक्ट्स जो कौमें बनाते हैं, जो मुल्क बनाते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए होते हैं, वो रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि किसी की भी गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिटिक्स चल रही है, वो चल रहे होते हैं, और उसमें ये प्रोजेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल सिनेरियोज डिफरेंट तरह से नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से कंप्लीट हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह लोगों का एतमाद भी है, पब्लिक इंटरेस्ट भी है। अब देखिए, इसी वजह से मैं एक अनाउंसमेंट में बड़ी गुड न्यूज़ है कि हम चार बाग का लो कॉस्ट हाउसिंग का फेज टू भी लॉन्च करने लगे हैं। अच्छा, अनकरीब ही। अच्छा। और इसके अलावा मैं एक और गुड न्यूज़ बताऊँ कि हमारी जो बीनी रोड है जहाँ खड़े हैं, बीनी रोड को हम कमर्शलाइज कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो कमर्शलाइजेशन से जो इकॉनमी बूस्ट अप होती है, और ये बड़ा एक लोगों के लिए नादिर मौका है, यहाँ के जो लोग अपनी जमीन कमर्शलाइज कराएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। शुरू में ये भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी सर, जमीन एक्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लोगों के बड़े नेगेटिव रिव्यूज भी आए थे, और फिर हमने देखा कि वही लोग आकर जब हमसे बात कर रहे थे और जब उनको एक्चुअली पेमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया,
उनको फाइल्स मिलना शुरू हो गई, सो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर श्योर कि कुछ ना कुछ जबरदस्त हो रहा है। सिचुएशन ये है कि लोग आते हैं हमसे पूछते हैं यार हमारी जमीन चेक करो रूडा में आ रही कि नहीं, हमने आपको देनी। नाउ दिस इज अ सिचुएशन, ये बड़ा पॉजिटिव फीडबैक। मुझे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं बिकॉज़ आउट ऑफ द वे मुझे लोग कहते हैं चेक करो। सर आपने मुझे कहा यहां पर टावर बनेगा 16 मंजिला, मैं तो सोच के खुश हो गई कि आप देखें कि हम इसके लिए शहर में जाते हैं दूर कहीं, मतलब गुलबर्ग और उस साइड पर। अब एक नया जो मॉडर्न पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको इन इलाकों में मिलेगा। इट्स जस्ट नथिंग एक्चुअली, ये तो एक प्रोटोटाइप मॉडल है, ये तो हम एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा जो एक नया शहर बन लगा है वो इन पैरामीटर्स में हम बनाएंगे। एक एग्जांपल सेट की जा रही है, एक मॉडल बनाया जा रहा है जिसके बाद उसका फायदा जो है वो सब लोग उठाएंगे। अब मैं आपसे जरा क्विक क्विक क्वेश्चंस करना चाहूंगी क्योंकि हमारे सवालों के बाद भी बहुत से लोग क्यूरियस हो रहे होंगे। जैसे आपने लो इनकम हाउसिंग का जिक्र किया, कब से वो शुरू हो जाएगा, लोग अगर लेना चाहते हैं उसका प्रोसीजर कब से स्टार्ट हो जाएगा और क्या तरीके का? जी मैम, अभी उसकी लैंड के एक्विजिशन के हमारे मामला फाइनल हो गए हैं। देयर आर ऑलरेडी आई मीन ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह, अनकरीब इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में इसकी आप गुड न्यूज से थ्रू मीडिया आपको पता चल जाएगी और डंके के छोर पे सब पता चल जाएगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, उसके साथ-साथ इन्वेस्टर्स जी, चूंकि मुझे याद है सीईओ रूडा साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो सर ने एक चीज़ बड़ी मुझे उसमें अट्रैक्टिव लगी थी उनकी कॉन्वर्सेशन में, वो ये थी कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो लाना चाह रहे हैं रूडा में। और चूंकि द काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही हैज़ और जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, तो मैं तो उनको ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कही थी कि सर आपके कॉन्टैक्ट्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं रूडा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो हंसना शुरू हो गए कि मेरा भी यही पर्पज़ है कि मैं वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आऊँ लोगों का एतमाद। मैडम दिस इज अ सीरियल सीईओ और बींग अ प्रोफेशनल आई वेरी मच कॉम्प्लीमेंट नॉट ओनली बिकॉज ही इज सीईओ, ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दिस। और मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कभी हमारा दुबई में चंद दिन पहले एक दुबई में रोड शो हुआ था प्रॉपर्टी का, एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया था हमारे एमओयूज में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ एमओयू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मुतल्लिक भी हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल होटल्स की चेन खुलेगी। इसके अलावा हमारा अभी एक बातचीत जा रही है जी बिल्कुल, और लोगों को मौके उस वक्त लोग इस वक्त भी इंटरेस्ट शो करते हैं जब लोगों को आप अपना काम करके दिखाते हैं। नाउ पीपल सी, सीइंग इज बिलीविंग, नाउ यू आर स्टैंडिंग और यू कैन सी के मैंने जैसे कहा कि ईद के दिनों में भी डेवलपमेंट वर्क जो से हैं वो रुके नहीं, और हम अपनी कमिटमेंट में क्वालिटी की कमिटमेंट में और टाइमली डिलीवरी की कमिटमेंट में कायम हमें करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और लोग जो हैं वो सीइंग इज बिलीविंग, वो जिस तरह से खुद देखते हैं तो यकीन और एतमाद बढ़ता चला जाता है। अब यकीन जानिए कि कुछ महीने पहले, एक साल कह लीजिए अगर, कि हम जब रूडा का जिक्र करते थे और इन प्रोजेक्ट्स की बात करते थे तो मेरा एक ही सवाल होता था, कंप्लीट कब होंगे, ऑन ग्राउंड कब नजर आना शुरू होंगे। तो जवाब मिलता था थोड़ा सा सबर कर लें, और जब सबर करने के बाद इतने महीनों बाद देखते हैं तो अब नज़र आ रहा है कि ये एक्चुअली अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं और ग्राउंड पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र भी आ रहा है। सर मेरे पीछे ही आपका चारबहार का कैंप ऑफिस है, आए ज़रा उस तरफ भी चलते हैं जहाँ पर क्रेन्स वगैरह काम कर रही हैं, और यहाँ पर मेरे कुछ लेबर क्लास से और जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे भी बात हुई है, और दो शिफ्टों में काम चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि लेबर कम है, फंड्स का प्रॉब्लम है, मटीरियल का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मसला नहीं है, और अभी भी इस वक्त फुल काम जो है वो यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है, देयर वर चैलेंजेस, वी फेस सम चैलेंजेस एट द बिगिनिंग, बट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ओवरकम दैट, और अब तो काम जो है फुल स्विंग पे चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने नवंबर बोला के 2024 नवंबर 2024 यानी कि तकरीबन डेढ़ साल का टाइम है जिसके बाद यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर हाउसिंग के प्रोजेक्ट शुरू होंगे और कमर्शलाइजेशन ऑफ कोर्स उसके बाद आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, अपने प्लाजा बना सकते हैं, तो हम अलाउ कर देंगे, हम पोजेशन दे देंगे उसके बाद इंशाल्लाह। तो यही हमारी इक्विपमेंट है, हमारे इंस्टॉलमेंट्स प्लान भी चल रहे हैं, और लोग जो सा उसमें बड़ा अपना टाइमली लोग पे भी कर रहे हैं। सीमल मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, देखिए इस चार बाग का रावी से एक डायरेक्ट लिंक है। अच्छा जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये सवाल अभी पूछने ही वाली थी और इंजीनियर साहब खुद ही उस सवाल की तरफ, वो लोग कहते हैं रावी किधर, भीनी रोड किधर, ये बंद रोड चार बाग का एरिया किधर। देखिए लिंक इस तरह से है कि इस चार बाग का सारा वेस्ट वाटर ट्रीट होके दरिया रावी में डिस्पोज ऑफ होगा साफ। अच्छा, होके अच्छा, ठीक है, इसका ये लिंक होगा, इसका ये सारा लिंक वहां जाएगा, ऑफ कोर्स वो लिंक होगा हमारा यहाँ पे इस पूरे फेज वन में 54,000 एकड़ का। सीमल यहाँ हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी मेगा कंड्यूट्स 25x16 feet इस तरह की बड़ी बड़ी कंड्यूट्स डाल रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, ये तो पूरी रिजीम हम इंशाल्लाह चेंज कर देंगे, ये पूरी जी बिल्कुल है वो रावी तक जाकर। देखें और सीमल एक और चीज़ देखें, जो रावी की हम बहाली पे जो हमें अरबों रुपया चाहिए वो हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, हम किस
किसी से डोनर एजेंसी से पैसे नहीं ले रहे, हम इसी इकॉनमी से जनरेट कर रहे हैं, हम ना सिर्फ प्लैंड अर्बनाइजेशन लोगों को दे रहे हैं बल्कि हम उसी जो हमारा फंड आएगा उससे हम अपने दरियावे को बहाल करें। बिल्कुल सही जी, ज़बरदस्त बात है और लोगों के लिए सुनहरी मौका भी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से या इसमें अपना हिस्सा डालने के हवाले से। और ये आप देखें, जब 54,000 एकड़ का आप जिक्र करते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हैं, तो सोचिए कि कितने लोगों का रोज़गार जो है वो फेज़ वन ओनली, और कितने लोगों का रोज़गार जो है वो इससे वाबस्ता है, रोज़गार जनरेट हो रहा है। और ख़ास तौर पर ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम्स में, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड टाइम्स में जहाँ पर लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, रोज़गार का रोना रो रहे हैं, वहीं पर ये अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए है कि वो यहाँ पर कमा भी रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हैं, और जब ये बनेगा तो इसका फ़ायदा आपने और मैंने तो उठाना ही है। इंजीनियर साहब थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से ज़मीन एक्वायर की जाती है, कैसे वो अपना रोल प्ले करते हैं, इन्वेस्टर्स को अगर लाना है तो वो क्या सिस्टम है, किस तरह से काम कर रहा है, उनसे बात करते हैं। आए मेरे साथ, वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चार बहार में ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक ऑफिस है निशान स्टेट डेवलपर्स का, और उसके सीईओ कैसर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो रूडा के साथ काम कर रहे हैं और एक मिडिल ब्रिज का रोल भी प्ले कर रहे हैं, जिसमें लोग लैंड एक्विजिशन के हवाले से, लैंड डेवलपमेंट के हवाले से इनके पास आते हैं, तो इनसे जानते हैं कि कैसा रिस्पांस देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है? सर रूडा बड़ी तेज़ी से काम आपके बैकग्राउंड में मैं अभी देख कर आई हूँ, पूरा चार बहार का प्रोजेक्ट बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। डेवलपमेंट तो इन्होंने जो करनी थी एक साल में वो इन्होंने 6 मंथ में कर दी है, उस साल का काम एक, और इतना ज़्यादा लोग इसको इंटरेस्टेड हैं और लेने के लिए, तकरीबन प्लॉट ऑलमोस्ट तकरीबन सोल्ड हो चुके हैं, कोई अभी तो नया फेज़ 2 आ रहा है उसके लिए डेली मतलब लोग आते हैं, डिमांड करते हैं, और ओवरसीज़ में ख़ास तौर पे लोगों ने बहुत ज़्यादा, चूँकि ईद पे जैसा कि लोग आए होते हैं बाहर के ममालिक से, और बहुत लोगों ने विज़िट किया, फैमिलीज़ भी आई, और लोग घर बनाने को तरजीह दे रहे हैं यहाँ पे के ज़्यादा ख्वाहिश के, ये डिफेंस एयरपोर्ट और ये मेन रोड रिंग रोड बहुत अच्छी सोसाइटी है मेन पे है, तो रावी अर्बन की पहली सोसाइटी है और रावी अर्बन भी इस पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी करवा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये डेवलपर्स वाली बात की आपने, चूँकि एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि एयरपोर्ट करीब है, रिंग रोड करीब है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी में एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एक डेवलपर के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है लोगों को ये दिखाना कि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका प्रॉमिस किया जा रहा है वो ग्राउंड पर नज़र भी आ रहा है। देखिए ये असल में जो एक प्रोजेक्ट, एक न्यू सिटी है लाहौर का ना, रावी अर्बन का एक रावी सिटी है जिसकी पहली सोसाइटी है, और इसमें जो जितनी वो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल्स की हैं, स्टैंडर्ड इसमें जो है डेवलपमेंट का वो इंटरनेशनल लेवल का है, बहुत अच्छा नेस पार्क और NLC इसको कर रही है, और काम भी बहुत क्वालिटी वाला हो रहा है, तो लोग ये सब चीज़ें देख के बहुत इंस्पायर होते हैं, और इसके लिए लोग करते हैं कि जो एक बार एक प्लॉट लेके जाता है वो फैमिली के फिर आगे 3-4 लोगों को और साथ लेकर आता है, वो भी फिर प्लॉट मांगते हैं, और प्लॉट की अवेलेबिलिटी है नहीं, ख़त्म हो चुकी है, अब फेज़ 2 में आएगी इंशाल्लाह तो उसमें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि सोल्ड आउट है फेज़ 1 के प्लॉट्स जो हैं और वो लोग उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर चुके हैं, लोग ले चुके हैं। सर ये बताइएगा फेज़ 2 के लिए आप किस तरह से इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, और कैसे उसको मार्केट किया जाएगा लोगों को बताया जाएगा? इसमें मार्केट की ऐसा कोई रुड्डा तो इतनी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन चूँकि फिज़िकली मौके पर काम ऐसा हो रहा है, लोग देख के उस पर बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं, और आके लोगों का इंटरेस्ट फिर डेवलप होता है कि जी काम देख के, कि काम की पोजीशन और काम का स्टैंडर्ड, और इस पर जो CEO हैं हमारे रूडा के इमरान अमीन साहब, वो पर्सनली बहुत इस पर एफर्ट करते हैं, ख़ुद विज़िट करते हैं और ख़ुद आके मोनिटर करते हैं तमाम वर्क को, तो जिसकी वजह से इसमें काम की क्वालिटी खुद चेक करते हैं, लीडरशिप नज़र आती है, तो इसलिए किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे उसकी फिर जो लीडरशिप है और जो उसके पीछे हेड होते हैं वो अगर इंटरेस्टेड हों तो फिर डिलीवर भी अच्छा होता है, डिलीवर भी अच्छा होता है। अच्छा शुरू में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में रूडा के, सिर्फ चार बहार ही नहीं बाकी जगहों पे भी आपने देखा होगा लैंड एक्विजिशन में बड़ी प्रॉब्लम आई, लोगों ने कहा कि पता नहीं ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं ये होगा या नहीं होगा, अभी भी क्या कुछ लोग डाउटफुल हैं? कुछ एक मखसूस टोला होता है जी, वो हमेशा से होता है, हर जगह ही होता है, ये हमारे पाकिस्तान में तो खैर वो कोई अच्छा काम होने जाता है तो एक नेगेटिव ऐसे माइंड के लोग होते हैं जिनकी बस आदत है या वो काम ही उनका ये है,
अदरवाइज कोई ऐसा नहीं, सब चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं और सब अच्छा चल रहा है। लोगों का भी थोड़ा रुझान, लोगों को भी समझ आना शुरू हो गई है जी, देख के वाकई कुछ डिलीवर जब होगा आप ये सोसाइटी इंशाल्लाह दिसंबर तक इसके पोजेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और फिर लोगों को खुद अंदाज़ा, काफ़ी हद तक तो लोगों को अंदाज़ा हो गया, चूँकि लोग गुजरते हैं आते हैं देखते हैं कि काम डे बाई डे बहुत स्पीडअप हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के माइंड से निकल चुका हुआ है, लोग अब इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे सर एज अ डेवलपर, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का इस टाइम ये मौका है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर हमें तो हमने देखा है ओवरसीज़ को कि ओवरसीज़ ने बहुत इसको लाइक किया है, वहाँ से हमें तकरीबन अगर हमने इसकी सेल किया तो 70% ओवरसीज़ इंटरेस्टेड हुआ है, उन्होंने लिया ओवरसीज़ जो घर बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, सिक्योर समझ रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं इसको, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं इसकी नेट पे, नेट से देख के फिर कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर ग्राउंड पे आपको काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। वेल, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़िन, ये था रूडा का वो तमाम प्रोजेक्ट जिसका सिनॉप्सिस से लेकर चार बहार का पूरा प्रोजेक्ट हमने आपके सामने रखा, एंड आई होप एंड प्रे कि ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो, और कम्प्लीट होने के बाद डेफ़िनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल एडिशन टू आर सिटी, और इसका फ़ायदा हम लाहौरियों को ही नहीं बल्कि बाहर से जो लोग आते हैं, जो चाहते हैं कि लाहौर में आकर आबाद हों और बसें, उनके लिए एक बड़ा फ़ायदा मंद साबित होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।